दोस्तों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस में इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए आर्टिकल्स के यूज को देखते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आर्टिकल यानी कि इंग्लिश में ए एन और दी को आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश में ए एन और दी को आर्टिकल्स कहते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, इसका यूज ए एन और दी का यूज हमेशा क्यों होता है, तो नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले होता है आर्टिकल ए एन और द का यूज। मतलब या तो ए का यूज या एन का यूज या द का यूज हम करते हैं तो कहां पर करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। अब देखिए इसे, वैसे तो ये एडजेक्टिव होते हैं, ए एन और द, ए एन और दी ये क्या होते हैं, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। और इसको इनको ए एन और दी को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स। एक बार फिर से देखते हैं, ए एन और द को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं और आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। ये आर्टिकल्स ए एन और दी एडजेक्टिव्स होते हैं और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, द फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल। एंड टू एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनिट आर्टिकल इट कम्स दी, एंड अकॉर्डिंग टू इनडेफिनिट आर्टिकल्स वी यूज ए एंड एन। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है, पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसके अकॉर्डिंग आता है दी, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसके अकॉर्डिंग आते हैं ए और एन। अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो दोस्तों दी का यूज, किसका यूज, दी का यूज हम नाउन के पोजीशन को सर्टेन करने के लिए करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो हम डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज नाउन की पोजीशन को सर्टेन करने के लिए या डेफिनिट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, I have the pen which I had bought yesterday. Begin. I have the pen which I had bought yesterday. एक और एग्जांपल लेते हैं। This is the house in which I live. अब देखिए इसमें pen और house, मैंने क्या कहा कि the का प्रयोग किसी भी noun के
पोजीशन को डिफिनिट या सर्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए ये नाउन है, पेन और हाउस ये दोनों क्या है, नाउन है, और इनका इनको क्या करना है, सर्टेन करना है इनके पोजीशन को, यानी जो इनका स्थान है इसको क्या करेंगे हम, सर्टेन करेंगे। देखिए कैसे, आई हैव द पेन, मतलब क्या है, मेरे पास वही पेन है विच आई हैड बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। अब देखिए मतलब क्या है, उस पेन की बात कही गई है, कोई मतलब क्या है कि ये पहले से उस पेन को जानता है। और देखिए दूसरे एग्जांपल, दिस इज द हाउस, अब ये देखिए इसका पोजीशन क्या है, निश्चित है, मतलब क्या है कि वह यह वही घर है, यह वही घर है इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूं। मतलब क्या होगा कि ये नाउन, ये दोनों नाउन है, इनके पोजीशन को यहां पर सर्टेन किया गया है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। अगला हम बात करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल की। इंडिफिनिट आर्टिकल में एक एंड का यूज किया जाता है नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए, मतलब ए और एन का यूज जब नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है, अनिश्चित करने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। आई सॉ ए मैन, आई सॉ ए मैन, ही हैज ए पेन, यू हैव एन इंक पॉट। अब देखिए ये क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। मैंने कहा क्या कहा कि ए और एन का यूज जब नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए आई सॉ अ मैन, मतलब क्या कहा गया है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति को देखा, लेकिन वो व्यक्ति कौन था नहीं पता। एनी मैन, वो कोई व्यक्ति हो सकता है क्योंकि वो सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन रहता तो यहां पे होता आई सॉ द मैन, आई सॉ द मैन, और आगे एक सेंटेंस होता आई सॉ द मैन वो अंडरस्टैंडिंग दे, मैंने उस व्यक्ति को देखा, मतलब वो वही व्यक्ति था जो वहां पर खड़ा था। अब यहां पर देखिए ही हैज अ पेन, अब यहां पर भी उसके पास एक पेन है लेकिन कौन सी पेन है वो उसको नहीं पता, यानी ये भी क्या है, अनसर्टेन है। और ये देखिए आई हैव एन इंपॉर्ट, बात वही हो गई, उसके पास एक इंपॉर्ट है जो सर्टेन नहीं है कौन सी इंपॉर्ट है। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए ये द है, मतलब दी है, और ये है ए और एन, ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन लोग दो तरीके से करते हैं, एक द करते हैं और एक दी करते हैं। इसी तरीके से इसका भी कुछ लोग अ करते हैं, कुछ लोग ए करते हैं, ठीक है, और एन का भी कुछ लोग एन करते हैं और कुछ लोग अन करते हैं और कुछ लोग एन करते हैं। तो मैं आपको श्योर कराना चाहता हूं कि जो दी है वो वीक फॉर्म है, क्या है, वीक फॉर्म किसका, तो वन का, सॉरी ये क्या है, दी क्या है, वीक फॉर्म है किसका, दिस और दैट का। दी किसका वीक फॉर्म है, दिस का और दैट का। और उसी तरीके से ए और एन है वीक फॉर्म किसका, तो वन।
मैंने क्या बताया कि ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है दी का, उसको कुछ लोग द भी कहते हैं और कुछ लोग दी भी कहते हैं। उसी तरीके से ए और एन के बारे में अगर बात करी जाए तो ए को कुछ लोग और प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं और इसका ए भी कहते हैं, और वही कुछ एन का एन भी कहते हैं, अन भी कहते हैं और एन भी कहते हैं। जो कि ये किसका वीक फॉर्म है, तो ये वन का वीक फॉर्म है और ये दी दिस और दैट का वीक फॉर्म है। आई होप गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को ये नया होगा, कुछ लोग ज्यादा जानते होंगे तो उनके लिए तो भाई नया नहीं होगा। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके, अब तो बात हो गई कि कुछ लोग द कहते हैं, कुछ लोग दी कहते हैं, कुछ लोग अ कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग एन कहते हैं, कुछ अन कहते हैं, कुछ एन कहते हैं। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कहना क्या चाहिए, तो हमें हमेशा ही दी का यूज करना चाहिए और एन का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रांग फॉर्म होता है। ये क्या होता है? स्ट्रांग फॉर्म होता है, ये स्ट्रांग फॉर्म होता है, और ये भी स्ट्रांग फॉर्म होता है। दोस्तों ज्यादातर लोग यूज करते हैं कि जब किसी भी नाउन का पहला लेटर, किसी भी नाउन का पहला लेटर, किसी भी नाउन का पहला लेटर का जो साउंड होता है वो अगर कंसोनेंट होता है तो द बोलते हैं। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसका जो साउंड होगा, अगर कंसोनेंट साउंड होगा तो द बोलते हैं, और जब इसका साउंड वावेल होगा तो इसको दी बोलते हैं। लेकिन जब द का यूज होता है तो इसको, जब कंसोनेंट साउंड होता है किसी नाउन का तो उसको द बोलते हैं, और जब वावेल साउंड होता है तो उसको दी बोलते हैं। लेकिन चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड हो या फिर वावेल साउंड से हो, हमेशा ही जब हम डिस्कोर्स करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, या किसी से बात करते हैं, या फिर आमतौर पर बात की जाती है, तब भी हमें हमेशा ही दी का यूज करना चाहिए, ना कि द। उसी तरीके से हमें ए का ए करना चाहिए और अन का एन करना चाहिए, क्योंकि ये इसके स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं और इसके प्रोनाउंसिएशन हमें ए और एन का यूज करना चाहिए और इसका दी यूज करना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कंसोनेंट साउंड और वावेल साउंड, दोस्तों कंसोनेंट साउंड और वावेल साउंड ये अच्छे अच्छे कंपटीटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं कि कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं और वावेल साउंड कितने होते हैं। कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, वावेल साउंड्स कितने होते हैं, तो कंसोनेंट साउंड्स 24 होते हैं और वावेल साउंड 20 होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो साउंड्स कितने हो गए, 44। दोस्तों अभी ये सुपर टेस्ट के एग्जाम में आया था कि कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं और वावेल साउंड्स कितने होते हैं, तो अब हम कभी नहीं भूलेंगे, कंसोनेंट साउंड्स 24 होते हैं और वावेल साउंड्स 20 होते हैं, ओवरऑल 44 साउंड्स।